नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि सीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड से पैसे निकालते समय आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो सावधानियां बताने वाला हूं, अगर आप केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड से पैसे निकालते समय उन सावधानियों को नहीं बरतेंगे तब दोस्तों आपको सामान्य से दोगुना ब्याज भी देना होगा। साथ ही दोस्तों, आप लोगों को उसकी जो सब्सिडी होती है उसका भी लाभ नहीं मिलेगा। और वहीं दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप लोग इन सावधानियों को नहीं बरतते हैं केसीसी से पैसे विड्रॉल करते समय, तो दोस्तों आप लोग निश्चित रूप से अपने केसीसी खाते पर दोगुना ब्याज भी दे रहे होंगे और आप लोगों को 3% सब्सिडी का भी फायदा नहीं मिल रहा होगा। तो इसलिए दोस्तों, आप लोग वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखिएगा ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि आखिर आपको केसीसी की क्या नियम और शर्तें हैं, किन नियम और शर्तों को आपका पालन नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से आप लोगों को ज्यादा ब्याज भी देना पड़ रहा है और सब्सिडी का लाभ भी नहीं मिल रहा है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन अवश्य प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड खाते से पैसे विड्रॉल करते समय आपको पहली सावधानी ये बरतनी है कि जब भी आप बैंक जाए अपने केसीसी खाते से पैसे विड्रॉल करने के लिए, तब दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि बैंक ने आपको उस वर्ष के लिए कितनी ड्राइंग पावर दे रखी है आपके केसीसी खाते में। दोस्तों, बैंक हर वर्ष के लिए एक निश्चित लिमिट तय करता है आपके केसीसी खाते में, जो कि प्रतिवर्ष 10% इंक्रीज होती रहती है। तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि बैंक ने उस वर्ष के लिए आपको कितनी लिमिट दे रखी है। अब मान लीजिए दोस्तों, अगर आपको बैंक ने 1,00,000 रुपए की लिमिट उस वर्ष के लिए दे रखी है, तब दोस्तों आपको उसका 10% हिस्सा उस केसीसी खाते में छोड़ करके ही हमेशा विड्रॉल करना है। अगर आपकी उस वर्ष की लिमिट 1,00,000 रुपए की है, तब दोस्तों आपको कभी भी 1,00,000 रुपए या 95,000 रुपए उस खाते से विड्रॉल नहीं करने चाहिए। आपको हमेशा 10% से ज्यादा हिस्सा अपने उस केसीसी खाते में क्रेडिट बैलेंस के रूप में छोड़ देना चाहिए। आपको अधिकतम 90,000 रुपए ही उस केसीसी खाते से विड्रॉल करने चाहिए, बाकी का 10-12,000 रुपए आपको अपने उसी केसीसी खाते में क्रेडिट बैलेंस के रूप में छोड़ देना चाहिए। दोस्तों, अगर आप अपने केसीसी खाते में क्रेडिट बैलेंस नहीं छोड़ेंगे तो दोस्तों उससे क्या होगा कि मान लीजिए आपकी लिमिट 1,00,000 रुपए है और आपने अपने केसीसी खाते से 98,000 रुपए या फिर 99,000 रुपए या फिर पूरे 1,00,000 रुपए आपने विड्रॉल कर लिए। उसके बाद दोस्तों क्या होगा कि मान लीजिए आपने पैसा फरवरी महीने में निकाला और मार्च महीने में केसीसी खाते में ब्याज लगना होता है दोस्तों, या फिर दोस्तों मान लीजिए आपने अगस्त महीने में पैसा निकाला और सितंबर में केसीसी का ब्याज लगना होता है। तो दोस्तों, आपने तो 1,00,000 रुपए पूरे अपने केसीसी खाते से विड्रॉल कर लिए। अब दोस्तों, जैसे ही उसके अगले महीने उस खाते में ब्याज लगेगा तो दोस्तों जो ब्याज होगा वो क्रेडिट बैलेंस आपके खाते में है नहीं, तो वो डेबिट में चला जाएगा, यानी आपका जो अमाउंट है वो 1,00,000 रुपए से ऊपर चला जाएगा, जबकि बैंक ने आपको उस वर्ष के लिए जो ड्राइंग पावर दे रखी है, जो लिमिट दे रखी है, वो सिर्फ 1,00,000 रुपए की है। तो दोस्तों, आपका जो खाता है वो ओवरड्यू हो जाएगा, या फिर इंटरेस्ट में ओवरड्यू नहीं होगा तो बैंक अगर पीएमएफबीवाई यानी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का प्रीमियम अगर आपके खाते से डेबिट करेगी तब आपका खाता ओवरड्यू हो जाएगा, या फिर आपके खाते में जो भी एनुअल चार्जेस होते हैं, जो भी वार्षिक चार्जेस होते हैं या फिर अन्य जो भी चार्जेस होते हैं, जैसे ही वो आपके खाते में इंक्लूड होंगे तो आपका जो केसीसी खाता है वो ओवरड्यू हो जाएगा। दोस्तों, इससे क्या होगा कि जैसे ही आपका केसीसी खाता ओवरड्यू होगा तो आपके ऊपर सामान्य जो ब्याज दर होती है उससे दोगुनी ब्याज दर आपके ऊपर चार्ज होने लगेगी, यानी आपको सामान्य से दोगुना ब्याज भी देना होगा। साथ ही दोस्तों, आपको जो केसीसी में सबवेंशन मिलता है, जो सब्सिडी मिलती है 3% की, वो भी आपको नहीं मिलेगी क्योंकि आपका जो खाता है वो खराब हो चुका है, वो ओवरड्यू हो चुका है। तो दोस्तों, इस बात का आपको हमेशा केसीसी से पैसे विड्रॉल करते समय ध्यान रखना है कि हमेशा आपको 10-15% रुपया अपने केसीसी खाते में क्रेडिट बैलेंस के ही रूप में छोड़ देना है ताकि आपके आपका जो केसीसी खाता है वो ओवरड्यू ना हो, आपको ज्यादा ब्याज न देना पड़े, आपको भी सब्सिडी का लाभ मिलता रहे। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि केसीसी खाते में आपको दूसरी सावधानी क्या बरतनी है। तो दोस्तों, हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि मान लीजिए अगर आपकी केसीसी की लिमिट उस वर्ष के लिए 1,00,000 रुपए की है, अब दोस्तों आपने जनवरी 2022 में अपने उसी केसीसी खाते से मात्र 10,000 रुपए विड्रॉल किए, उसके बाद एक वर्ष तक आपने उस खाते में ना ही पैसा जमा किया और ना ही आपने निकाला। अब क्या हुआ कि फरवरी 2023 आ गई, आपको 50,000 रुपए की आवश्यकता पड़ गई फरवरी 2023 में। दोस्तों, आपने जो पैसा जनवरी 2022 में 10,000 रुपए लिया था उसको आपने जमा नहीं किया और आप फरवरी 2023 में बैंक से पुनः 50,000 रुपए विड्रॉल करने पहुंच गए, क्योंकि आपको पता है कि मेरी जो केसीसी की लिमिट है वो 1,00,000 रुपए की है और मैंने उससे अभी सिर्फ 10,000 रुपए ही विड्रॉल किए हैं, तो 90,000 रुपए अभी हमारा क्रेडिट में बैलेंस है। दोस्तों, बात आपकी बिल्कुल सही है, आपका 90,000 रुपए बैंक के पास में क्रेडिट बैलेंस है, आप उसे विड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको कभी भी सीधे अपने केसीसी खाते से इस स्थिति में पैसे विड्रॉल नहीं करने हैं। आपको क्या करना है कि उस 10,000 रुपए को आपको ब्याज सहित पूरा एक दिन के लिए जमा कर देना है। दोस्तों, उससे आपको थोड़ा सा पैसा ज्यादा ही जमा करना है ताकि आपका जो खाता है वो क्रेडिट में आ जाए,
मान लीजिए आपका अगर 10,300 रुपये बकाया है तो दोस्तों आप लोग हमेशा 10,500 रुपये उसमें जमा कर दीजिए ताकि 200 रुपये आपका क्रेडिट बैलेंस आपके खाते में हो जाए। अब दोस्तों क्या करिए कि उसके अगले दिन आप पुनः 50,000 की जगह 60,000 रुपये विड्रॉल कर सकते हैं, क्योंकि आपको 50,000 की आवश्यकता है, आपने 10,000 रुपये कहीं से लेकर के उसमें डाले हैं, तो दोस्तों आप उससे 60,000 रुपये उसके अगले दिन ही विड्रॉल कर सकते हैं। इससे क्या होगा दोस्तों कि आपका जो खाता है वो सही रहेगा, आपके ऊपर जो ब्याज दर होगी वो सामान्य ब्याज दर होगी। वही दोस्तों अगर आप 10,000 रुपये बिना जमा किए अपने उस केसीसी खाते से 50,000 फरवरी 2023 में और विड्रॉल कर लेंगे तब दोस्तों आपको सामान्य से दोगुनी ब्याज दर भी देनी होगी, क्योंकि आपका जो खाता है केसीसी के खाते में हमेशा आपको बताया जाता है कि आपको पैसा एक वर्ष के अंदर पुनः वापिस कर देना है, आपने चाहे जितना भी पैसा अपने केसीसी खाते से लिया हो। उसमें आपको 7% ब्याज पड़ती है, आपको 3% की सब्सिडी मिल जाती है 3 लाख तक के अमाउंट पर, तो दोस्तों आपको कुल 4% ब्याज ही देना होता है। लेकिन दोस्तों आपने पैसा तो वापिस किया नहीं एक वर्ष के अंदर और आप पुनः 50,000 रुपये विड्रॉल करने पहुंच गए, तो दोस्तों ऐसे में क्या होगा कि आपके ऊपर 10.5% ब्याज भी चार्ज होगा और आपको सब्सिडी का भी लाभ नहीं मिलेगा। तो इसलिए दोस्तों आपको जो ब्याज दर 4% पड़ना चाहिए वो 10.5% आपको देना होगा। तो इसलिए दोस्तों आप लोग एक दिन के लिए वो 10,000 रुपये या 10,300 रुपये जो भी है आप जमा कर दीजिए, अगले दिन आप 50,000 की जगह 60,000 रुपये 70,000 रुपये 80,000 रुपये विड्रॉल कर लीजिए। दोस्तों आपको उसमें क्या होगा कि 7% ब्याज लगेगा, साथ ही दोस्तों अगर आप समय से बैंक को पैसा वापस कर देंगे दोस्तों आपको इसमें 3% की सब्सिडी भी मिल जाएगी और आपका खाता कभी भी खराब नहीं होगा, आपका खाता हमेशा अच्छा रहेगा। तो इसलिए दोस्तों आप लोगों को हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपको पैसे की आवश्यकता है, आपने कुछ पैसा पहले से निकाल रखा है, तो दोस्तों पहले आप उसे जमा कर दीजिए एक दिन के लिए ब्याज समेत, उसके बाद अगले दिन आपको जितना आवश्यकता है आप पुनः पूरा पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप अपने केसीसी खाते में इन सावधानियों को बरतेंगे तो दोस्तों निश्चित रूप से आपको बहुत ही कम ब्याज देना होगा, साथ ही आपको सब्सिडी का लाभ भी मिलता रहेगा। दोस्तों आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल पर नए हैं चैनल पर पहली बार आए हैं और हमारे इस तरह के वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन अवश्य प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही हम आप लोगों के लिए कोई वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।